So we have already seen that we have drawn the equivalent circuit of three-phase induction motor and phasor diagram of three-phase induction motor. I hope so everybody understood this. Okay. So that is very important. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में जो हम फॉरवर्ड हो रहे हैं, आपको सबको समझ में आ गया ना फेजर डायग्राम? एवरीबडी अंडरस्टूड ना फेजर डायग्राम एंड इक्विवेलेंट सर्किट? इट इज जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, फेजर डायग्राम मोर और लेस ट्रांसफॉर्मर का ही है. ओनली थिंग इज स्लिप कंपोनेंट आता है तो उसमें एस आर टू एस एक्स टू एंड देयर इज नो लोड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो वो ई टू एस ई टू वो रहता है, वो थोड़ा सा आप देख लेना केयरफुली. अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हम फेजर डायग्राम फिर से भी ड्रॉ कर सकते हैं. राइट, टूडेज टॉपिक इज वॉट आई एम गोइंग टू डील इज स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर. स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर और वी कॉल इट एज, राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड इन थ्री फेस इंडक्शन. क्वेश्चन इज व्हाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड इन थ्री फेस इंडक्शन मोटर. आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री फेस इंडक्शन मोटर. तो आप इसको थोड़ा सा डीसी मशीन से भी आप कोरिलेट करो, जस्ट कोरिलेट विथ डीसी मशीन, कि वी नीड अ स्टार्टर इन डीसी मोटर आल्सो. तो कई मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड इन डीसी मोटर, व्हाई स्टार्टिंग इज रिक्वायर्ड इन थ्री फेस इंडक्शन. तो आप कम टू डीसी मोटर. डीसी मोटर में बैक ईएमएफ इक्वेशन आपने देखा होगा, ईबी इज इक्वल टू पी फाइव जेड एन बाय 60 ए होता है ईएमएफ इक्वेशन इन केस ऑफ डीसी मोटर. एंड करंट इज इक्वल टू वी माइनस ईबी बाय आरए होता है. तो अगर ईबी स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ अगर जीरो रहेगा तो वी बाय आरए करंट इज वेरी हाई, दैट विल बर्न द मोटर. इन केस ऑफ डीसी मोटर स्टार्टिंग में स्पीड जीरो होती है, स्पीड जीरो होती है तो बैक ईएमएफ जीरो होता है. बैक ईएमएफ इज जीरो मींस स्टार्टिंग करंट इज आई इज इक्वल टू वी बाय आर ए, स्टार्टिंग करंट इज वेरी हाई, स्टार्टिंग करंट इज वेरी हाई, देयरफॉर योर मशीन विल बर्न. देयरफॉर डीसी मोटर में हमेशा थ्री पॉइंट स्टार्टर होता ही है इन केस ऑफ डीसी मोटर. इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रिंसिपल इज डिफरेंट. व्हाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड इन इंडक्शन मोटर, दैट इज डिफरेंट. ठीक है, दैट फेनोमेना इज डिफरेंट. इंडक्शन मोटर में थ्री स्टार्टर क्यों लगता है? तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्टार्टर क्यों लगता है? व्हाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड इन थ्री फेस इंडक्शन? This is a very discussion, debate question. कि why starter is required in three-phase induction. तो come to transformer. Transformer से पढ़ने की कोशिश करो कि transformer में secondary winding में क्या करते हैं, हम load लगाते हैं. What will connect secondary winding में transformer में? Load. And in case of induction motor, I already told, induction motor is just like a generalized transformer. इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम एस ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है और म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है. प्राइमरी इज स्टेटर एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज रोटर. तो व्हेन एंड इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड. इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड. रोटर सर्किट जो होता है वो शॉर्ट सर्किट. ट्रांसफार्मर में हमने देखा था, ओसीएससी टेस्ट किया था, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ट्रांसफार्मर विल बर्न, नो डाउट. वैसे ही इंडक्शन मोटर को आप बिना स्टार्टर के स्टार्ट करोगे तो सेकेंडरी करंट विल बी,
rotor current will be very high, and very high current will flow in the rotor circuit and rotor will burn. You can say 6 to 7 times of full load current. अगर ये 10 एम्पियर का इंडक्शन मोटर है तो वो स्टार्टिंग में नियरली 6 to 7 एम्पियर, 6 to 7 टाइम्स ज्यादा हैवी करंट खींचता है लार्ज साइज इंडक्शन मोटर, एंड दैट विल बर्न द इंडक्शन मोटर स्टेटर वाइंडिंग एज वेल एज रोटर वाइंडिंग. देयरफॉर इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग बहुत जरूरी है, ठीक है ना. क्यों जरूरी है, अब ये क्लियर हो गया ना, बिकॉज रोटर सर्किट इज शॉर्ट सर्किट, रोटर वाइंडिंग शॉर्टेड रहती है, शॉर्ट सर्किट रहती है. ट्रांसफार्मर में जैसे लोड लगाते हैं, हम लोड कनेक्ट करते हैं, दैट इज नॉट देयर इन द इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर में हमारा मैकेनिकल सर्किट में लोड है, मैकेनिकल लोड है, बट इन इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में आपका लोड नहीं है. देयर इज नो लोड इन द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है. तो देयरफॉर वी हैव टू रिड्यूस द और लिमिट दी स्टार्टिंग करंट. अगर स्टार्टिंग करंट को आप लिमिट नहीं करोगे तो इंडक्शन मोटर विल बर्न. आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री फेस इंडक्शन मोटर ओनली. इंडक्शन मोटर विल बर्न. तो आई होप सो एवरीबडी माइंड इज क्लियर कि व्हाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड. सिंस द सेकेंडरी सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड है, तो स्टार्टिंग करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंडक्शन मोटर इज वेरी हाई, से 6 to 7 टाइम्स द फुल लोड करंट. Therefore, at the time of starting, in order to limit the starting current, some starting mechanism is adopted. अब running condition में आ जाओ. Come to running condition. What is the situation of running condition? Running condition is a different. Running condition में speed है तो slip है. Slip है तो आपको equivalent circuit में अगर फिर से दिखाओ तो just see the equivalent circuit of transformer. Equivalent circuit of, you know, that is why I told equivalent circuit and phasor diagram is very important. Equivalent circuit मैंने starting condition में बनाया था और running condition में बनाया था. Running condition में क्या होता है? This will be R2, this will be X2, and यहाँ पे जो resistance बनता है variable resistance, this will be 1 by S minus 1. रनिंग कंडीशन का हमारा अलग ही है. स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है? आर टू एच ई टू आर टू एक्स टू. स्टार्टिंग कंडीशन इक्विवेलेंट सर्किट इज ई टू आर टू एक्स टू. वेरी हाई करंट विल फ्लो, रेजिस्टेंस भी कम है, रिएक्टेंस भी कम. बट रनिंग कंडीशन में क्या होता है आपका? R2 X2 1 by S minus 1 R2. हम लोग S से डिवाइड करते हैं, S से मल्टीप्लाई करते हैं, S से डिवाइड करते हैं, आपको क्या हो जाता है? R2 X2 1 by X minus 1. एक्चुअली S से डिवाइड करते हैं तो ये R2 by S होता है, तो R2 by S के दो टुकड़े कर दिए हमने. R2 by S minus R2 plus R2 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 कैंसिल हो गया. R2 by S स्लिप आ जाता है पीछे, एंड स्लिप इज वेरी लो. स्लिप लो हो जाता है तो क्या हो जाता है? सम लोड रेजिस्टेंस, ठीक है. तो दिस लोड रेजिस्टेंस हमने लास्ट टाइम ही बोले थे, दिस लोड रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल लोड कनेक्टेड टू द इंडक्शन. ये लोड रेजिस्टेंस ये स्लिप का पार्ट जो है ये करंट को लिमिट कर देगा ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन. When slip is very low, 3% slip, 4% slip में जब run हो रहा है तब problem. It is clear to everybody कि during running condition हमें current is limited by slip. But starting में आपने देखा कि R2 X2 ये short circuited तो high current flow होगा, तो high current को हमें limit. तो I hope so कि आज हम एक ही part पढ़ रहे हैं, starting of three phase induction motor. उसमें पहला पार्ट पढ़े कि व्हाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड इन थ्री फेज इंडक्शन.
ये आप कंपेयर करके पढ़ो, वाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड इन डीसी मोटर एंड वाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड इन इंडक्शन। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ नहीं होता है, वेरी हाई करंट फ्लो होता है, इसमें बैक ईएमएफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इसमें एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्पीड इज जीरो, स्लिप इज वन, स्लिप वन है तो ये पार्ट जीरो हो गया ना आपका, स्लिप वन है तो दिस पार्ट वन बाय वन माइनस वन ये जीरो हो गया, ये आर टू एक्स टू शॉर्ट सर्किटेड। सिंस रोटर सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड तो देयरफॉर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वेरी हाई करंट फ्लोस थ्रू द रोटर सर्किट एंड दिस विल डैमेज द थ्री फेज इंडक्शन। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम हाई स्टार्टिंग करंट वी नीड अ स्टार्टर। क्लियर? आई होप सो एवरीबॉडी गॉट क्लियर कि व्हाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड इन थ्री फेज इंडक्शन। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन। ऑफकोर्स स्मॉल साइज इंडक्शन मोटर है आपके पास तो आप बिना स्टार्टर के भी ऑन कर सकते हो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, बट लार्ज साइज इंडक्शन मोटर है तो यू हैव टू रिड्यूस द करंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड वंस द इंडक्शन मोटर इज स्टार्टेड देन यू कैन रिमूव द स्टार्टर। तो करंट रिड्यूस करने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे फर्स्ट मेथड इज कि आप कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगा दो या लो वोल्टेज अप्लाई करो, उससे आपका करंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल शेयर वन स्क्रीन आपको जो बीएल थेरेजा की बुक से मैं बताता हूँ कि सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ स्टार्टिंग इज डायरेक्ट स्विचिंग और लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन, डीओएल बोलते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग और वी कॉल इट एज ए डीओएल स्विचिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग हम स्मॉल मोटर्स के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग फॉर स्मॉल मोटर्स। स्मॉल मोटर्स के लिए आप यूज कर सकते हो बट दिस इज नॉट फेवरेबल फॉर लार्ज साइज मोटर। लार्ज साइज मोटर में करंट ज्यादा होगा, करंट बंद कर दे, करंट विल बी अराउंड 6 to 7 टाइम्स फुल लोड करंट, दैट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट करीब करीब 7 टाइम्स हो जाता, तो 7 टाइम्स की वजह से प्रॉब्लम होती है। उसमें देखो वैल्यूएशन भी दिया, हेंस वी फाइंड इट, और इवन टॉर्क भी डेवलप नहीं होता है। ठीक है, यू ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्ट स्विचिंग और लाइन स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर इज नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल। तो डीओएल डायरेक्ट ऑनलाइन स्विचिंग इज फर्स्ट मेथड विच इज यूज फॉर स्मॉल साइज मोटर। नाउ कम टू मेन स्क्वेरल केज मोटर। तो देखो स्क्वेरल केज मोटर में सबसे पहला स्टार्टिंग मेथड इज प्राइमरी रजिस्टर, कॉल इट एज अ प्राइमरी रजिस्टर। फर्स्ट मेथड इज प्राइमरी रजिस्टर मेथड। प्राइमरी रजिस्टर मीन्स सिंपली कनेक्टिंग रजिस्टेंस इन द स्टेटर सर्किट सो दैट द टोटल फुल लोड करंट स्टार्टिंग करंट इज रिड्यूस्ड। एवरीबडी नोज दिस कि व्हाट इज रजिस्टेंस, रजिस्टेंस अपोजेस द करंट। आपको करंट रिड्यूस करने के लिए सबसे बेसिक मेथड इज कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी। देखो आप रेजिस्टेंस लगाए तो करंट कम हो गया, बस दैट्स ऑल। वंस यू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस योर करंट विल बी रिड्यूस, सो दिस इज द मेथड। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। Anybody having any confusion? So you can ask. This is a simple basic. This is a simple basic. आपका वो motor है, right? Anybody having any confusion? They can ask. Three phase supply है, एक switch है, स्विच में थ्री प्राइमरी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। यू हैव टू यूज रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ओनली,
once the motor is started, you have to make it short circuited. आपको resistance को zero करना है, unnecessarily resistance को picture में नहीं रखना है. Do you understood? Because unnecessarily resistance is in picture, they will consume a power. Power consume करेंगे, तो power को भी बचाना है. So three resistance, primary resistance are connected in series with the primary winding of stator. Star connected है, तो तीन resistance कराए, connect किए, तो आपका voltage क्या हो गया? Reduced by x times v. Primary voltage x times v हो गया, तो आपका secondary voltage भी x times v reduce हो गया, तो आपका rotor current reduce हो गया and induction motor is protected from damage. Damage से protect हो गया. एक बार मोटर स्टार्ट हो गई तो आप रेजिस्टेंस को जीरो. ठीक है, नोबडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चन. अगर किसी को कोई एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, क्लियर है? हमने रेजिस्टेंस लगा के करंट कम किया, एक बार स्टार्ट हो गई तो ऐसा आ गया तो आपने रेजिस्टेंस को हटा. योर माइंड शुड बी क्लियर कि व्हाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड इन थ्री फेस इंडक्शन मोटर. स्टार्टर क्यों लगता है? क्योंकि स्टार्टिंग करंट इज वेरी हाई. स्टार्टिंग करंट वेरी हाई है, तो इसलिए हम स्टार्ट करने के समय में प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस लगा के करंट को कम करके स्टार्ट करते हैं. जैसे मोटर स्टार्ट हो गई, स्लिप स्पीड के पास आ गई, तो आप रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते, बिकॉज रेजिस्टेंस विल कंज्यूम एडिशनल पावर. पावर भी बचत. ऑन करते वक्त रेजिस्टेंस लगाए, फिर हटा दे. अब एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन, तो आप पूछ सकता है, तो रेजिस्टेंस लगाए तो आपका जो पावर है तो उसका आपका जो पावर है, पावर इज रिड्यूस बाय पावर बढ़ जाता है, तो इसलिए हमको रेजिस्टेंस रिमूव करके पावर को भी बचाना है. राइट, द सेकेंड मेथड इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर. द सेकेंड मेथड ऑफ स्टार्टिंग इज रेजिस्टेंस मेथड. फर्स्ट मेथड इज रेजिस्टेंस मेथड. रेजिस्टेंस विल कंज्यूम पावर, वो अननेसेसरली हीट होगा, तो रेजिस्टेंस हटा के हम क्या लगा देते हैं? ऑटो ट्रांसफॉर्मर, सो दैट द पावर लॉसेस इज रिड्यूस. सो इट इज जस्ट अ वेरिएक. ये देखो वेरिएक का फोटो भी गिवन है, फोटो इज गिवन, तो फोटो से देख सकते हो. दिस इज अ वेरिएबल ऑटो ट्रांसफॉर्मर. ये आप लोग ने सबने देखा है लैब, इसको घुमा घुमा के. ये एक्चुअली सिंगल फेस होता है, मैं आपको कॉलेज में थ्री फेस भी दिखा दूंगा अभी लैब में. लैब सेशन होगा तो विल टेक लैब सेशन इन द आफ्टरनून. मैं आपको टाइमिंग दे दूंगा, तो उस समय में आपको लैब भी अटेंड करना है. ठीक है, इट्स अ सिंगल फेस, वेरिएक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, तो थ्री फेस ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगता है जिससे हम करंट को रिड्यूस करते हैं. तो फायदा ओरिजिनली एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग इज इट रिड्यूसेस पावर लॉस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, और स्मूथ है, हॉट भी नहीं होता. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क. ये कनेक्शन डायग्राम आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, लेकिन डोंट सी दिस डायग्राम. हमने इंडक्टर ऐड कर दिया. ठीक है, बी डायग्राम को देखो. विथ रिस्पेक्ट टू स्विच, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमने तीन इंडक्टर ऐड कर दिए. वंस रनिंग कंडीशन में आ गया, तो इंडक्टर को हम रिमूव कर देते हैं. तो ये दिस इज कॉल्ड अ टू वे स्विच. स्टार्टिंग में अपने इंडक्टर लगाया,
इंडक्टर से लगा के ऑन हो गया, तो हमने स्विच को शिफ्ट कर दिया इस तरफ, उल्टे तरफ। टू वे स्विच है ये, इट्स अ टू वे स्विच। ठीक है, एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन, दे कैन आंसर क्वेश्चन। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। स्टार्टिंग व्हाट विल डू, अवर मेन एम इज टू लिमिट द रोटर करंट, और लिमिट करने के लिए हम क्या करते, इंडक्टर लगा के वोल्टेज ही कम दे रहे, वोल्टेज कम दे रहे तो करंट कम होगा। रेजिस्टेंस लगा के हमने स्टेटर में वोल्टेज कम दिए तो करंट कम होगा। एक बार रेजिस्टेंस लगा दिए, एक बार किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो दे कैन आस्क। यू कैन स्टडी फ्रॉम बुक ऑल्सो। देन देयर इज अ थर्ड मेथड विच इज कॉल्ड अ स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। The third method of starting of three phase induction motor is star delta starter. Star delta, what is you mean by star delta starter? Start the induction motor for star connection and run the induction motor for delta connection. और आपके जो induction motor में ना तीन winding है, तो तीन के छह terminal होते। There is three windings in the stator. ये देखो, ये stator है आपका, you see this stator. स्टेटर में क्या है आपका, ये आपका स्टेटर है। स्टेटर में आपके छह टर्मिनल है तीन वाइंडिंग की। इसको आप स्टार में भी रन कर सकते हो, डेल्टा में भी रन कर सकते हो। स्टार्ट हम स्टार में करते हैं, रन डेल्टा में करते। उसको आपने, अगर आप उसको केयरफुली एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, स्टार में स्टार्ट करते तो करंट रिड्यूस हो जाता है बाय रूट थ्री, क्योंकि कर वोल्टेज वी बाय रूट थ्री हो जाता है, तो करंट भी वी बाय रूट थ्री टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, बट अंडर डेल्टा रनिंग कंडीशन आपने फुल वोल्टेज चले जाता है तो आपका करंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। इसका डायग्राम को आपको अगर बनाना होगा तो बना लो। देखो, दिस डायग्राम इज विजिबल टू एवरीबॉडी। स्टार्ट हम स्टार में करते हैं और रनिंग कंडीशन में हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, बीच के टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। तो नीचे है आपका स्विच, जो आपका स्विच है, दिस इज योर स्विच। व्हेन इट इज इन अपर साइड, इट इज कनेक्टेड इन स्टार। अपर साइड में क्या होता है, तीनों मिडिल के तीनों टर्म को न्यूट्रल टर्मिनल बना देते, स्टार में कनेक्ट कर देते, और जैसे ही नीचे आया तो अब वो क्या हो जाता है, डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, रनिंग कंडीशन में डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। Some internet problem is there, it is disconnected. Okay, I think